मेरे प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों एवं संगीत शिष्यों, आप सबों को स्वामी शांति देव का हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आइए आज हम आपको राग भैरवी स्वर लिपि के साथ सिखाने वाले हैं। इसका थाट भी भैरवी ही है, यानी यह थाटजन्य राग है। अब इसका बादी मध्यम एवं संवादी खड्ज है। मध्यम यानी म और षड्ज यानी सा। इसका गायन समय प्रातः काल है। जी हाँ, इसका गायन समय प्रातः काल है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। आइए थोड़ा सा मैं इस राग की झलक आपको दूं। यह एक ताल 12 मात्रा पर गाया जा रहा है। श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल। श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल। जागो मोरे लाल, जागो मोरे लाल। आइए अब स्वरलिपि के साथ इसे हारमोनियम पर सीखते हैं। तो आइए मित्रों सीखते हैं राग भैरवी। इसका थाट भैरवी ही है, ये थाटजन्य राग है। वादी स्वर मध्यम यानी म और संवादी स्वर षड्ज यानी सा है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है और गायन समय इसका प्रातः काल है। आइए शुरू करते हैं। पहले आरोह अवरोह पकर, फिर आलाप, अस्थाई अंतरा एवं तान सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आरोह। राग भैरवी आप जानते ही हैं, सारे स्वर इसमें कोमल लगते हैं। यानी जो भी बदलने वाले स्वर हैं, चारों स्वर रेगा ध्वनि, ये सभी कोमल ही लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो आइए सबसे पहले आरोह। सारे अब रो हो गए। अब हम देखते हैं इसका पकर। पकर कैसे गाएंगे? नी सा ग म ध प ग म ग रे सा। एक बार फिर देख लें। नी सा ग म ध प ग म ग रे सा। आलाप देखें, आलाप किस तरह से, पहले उसका स्वर देख लें। सा नी ध नी सा रे ग म ग म ध प ग म प म ग रे सा।
देखें कैसे है। आइए देखते हैं अस्थाई। यह एक ताल बारह मात्रा पर ही गाया जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि इसके स्वर किस तरह से लगते हैं। सा सा पा 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 पधानी धा पामा श्याम सुंदरे मदन मोहन। एक बार फिर सा सा पा 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 पधानी धा पामा श्याम सुंदरे मदन मोहन। ये कंप्लीट हो गया पहली पंक्ति। अब आगे देखिए कैसे है। जागो मोरे लाल, जागो जागो मोरे लाल, ऐसा है। ग सा ग मा पा मा रे सा, जागो मोरे लाल। फिर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मदन मोहन, जागो मोरे लाल। ये क्लियर हो गया। अब आइए अंतरा सीखते हैं। अंतरा है प्रात भानु प्रगट भय। प्रात भानु प्रगट भय। अब इसके लिए स्वर हैं ग म ध नि सा 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 नि रे सा। एक बार फिर ग म ध नि सा 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 नि रे सा। प्रात भानु प्रगट भय। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ें। ग्वाल बाल मिलन आए, ग्वाल बाल मिलन आए, नी 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 सा सा नी रे सा ध प प नी नी सा सा ग्वाल बाल। ये है, ये इस तरह से है। नी नी सा सा ग्वाल बाल नी रे सा ध प प मिलन आए। अब पूरी पंक्ति को एक बार। ग्वाल बाल नी नी सा सा मिलन आए मेरी साधा पापा। अब अगली पंक्ति है प्रात भानु प्रगट भय। वो फिर से उसी पंक्ति को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन इस बार दोहराने में कुछ स्वरों का अंतर है, वो आपको अभी दिखाई पड़ जाएगा। प्रात भानु प्रगट भय। ये इसी तरह से है। ये पंक्ति में इसमें कोई स्वर का अंतर नहीं पड़ा। जैसे ग म ध नि सा 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 नि रे सा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अब आगे देखिए नी नी सा सा नि ग सा ध प। ये नी ग,
ये जो देख रहे हैं नी ग सा ध प नी ग सा, ये ग वो पहली बार जब आपने गाया तो ये ग का प्रयोग, तार सप्तक के ग का प्रयोग ये नहीं हो रहा था, यहां इस बार हुआ। ग्वाल बाल मिलन आए, ये देखिए ग्वाल बाल मिलन आए नी नी सा सा नी ग सा ध प प या ध प नी नी सा सा नी ग सा ध प ग्वाल बाल मिलन आए, ये हो गया कंप्लीट। आपने देख लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसे आराम से बजा सकते हैं। अब आगे देखें तुम्हारे दरस द्वारे ठाड़, अब तुम्हारे दरस द्वारे ठाड़ ये कैसे है इसको देखें। तुम्हारे दरस द्वारे ठाड़, ये इस तरह से देखें इसको, तुम्हारे दरस द्वारे ठाड़ पगारे गा 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 सारे मदारे सा सा, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला अब इसको देखें कैसे है। मोहन मुरली, अब ये मोहन मुरली तो इस तरह से है और लेकिन आगे का जो वाला है उसमें एक छोटा सा तान है, अब वो तान छह मात्रा का तान है, वो कैसे है ये देखिए। धानी सारे सानी धापा मागरे सा, धानी सारे सानी धापा मागरे सा, ये तान है जिसमें कहा जा रहा है वाला वाला, ये कहा जा रहा है इसमें। तो तुम्हारे दरस द्वार ठाड़ है मोहन मुरली वाला, तो मोहन मुरली वाला के लिए फिर से देखिए एक बार। ग म ध सा 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 धनी सारे सानी धापा मगरे सा, ये स्वर है। ग म ध सा 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 धनी सारे सानी धापा मगरे सा, मोहन मुरली वाला, और इसके बाद फिर श्याम सुंदर ये जो अस्थाई के हैं पंक्ति वो फिर से इसमें जुड़ जाएंगे। श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल, श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल। अब आइए इस राग का तीन तान हम आपको अभ्यास के लिए सिखाते हैं, चूंकि यह बारह मात्रा का है तो बारह मात्रा के तान के लिए हमें इस तरह से गाना पड़ेगा, पूरी लाइन गा के फिर बारह मात्रा का तान हम इसमें जोड़ते हैं, वो कैसे वो देखिए। श्याम सुंदर मदन मोहन, अब ये है सारे ग म प ध प म ग रे सा, ध म प म ग म प म ग रे सा, सारे ग म प ध प म ग रे सा, ग म प म ग म प म ग रे सा। श्याम सुंदर मदन मोहन, अब इस पर आलाप कैसे करेंगे देखिए।
श्याम सुंदर मदन मोहन अब हम दूसरा तान सीखते हैं। दूसरा तान कैसे गाएंगे देखिए। श्याम सुंदर मदन मोहन पाधा निधा पाधा पा मगरे सा पाधा निधा पाधा पा मगरे सा निधा नी निधा पा गमा धापा सासा निधा नी निधा पा गमा धापा। एक बार फिर पाधा निधा पाधा पा मगरे सा निधा नी निधा पा गमा धापा। श्याम सुंदर मदन मोहन आ आ आ आ ये आलाप हुआ। अब इसके बाद तीसरा तान देखिए कि हम तीसरे तान को कैसे गाते हैं। श्याम सुंदर मदन मोहन सारे घरे सानी धापा मगरे सा। ये है, ये छह मात्रा हुआ और छह मात्रा इसमें जोड़ना है। और देखिए सारे घरे सानी धापा मगरे सा गगरे सा रे ग मापा धानी सा गगरे सा रे ग मापा धानी सा। तीसरा तान फिर से देखिए। श्याम सुंदर मदन मोहन सारे गरे सा निधा पा मगरे सा गगरे सा रे ग मापा धानी सा। श्याम सुंदर मदन मोहन अब तीसरे तान का आलाप देखिए। श्याम सुंदर मदन मोहन आ जागो मोरे लाल श्याम सुंदर मदन मोहन। अब इसको तिहाई लेकर और फिर इस राग को हम समाप्त करते हैं। वो कैसे ये देखिए। श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल। इस तरह आपने देखा एक ताल बारह मात्रा में यह बंदिश जो राग भैरवी में है और इसके एक एक स्वरों को आपने ठीक से चेक कर लिया होगा और मैं समझता हूं ये बहुत ही आसानी से इसे आप हारमोनियम पर बजा सकते हैं और गा सकते हैं। तो मित्रों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए यहाँ से राग भजन गजल फिल्म सॉन्ग क्लासिकल फिल्म सॉन्ग इस तरह के सारे ट्यूटोरियल और वह भी स्वर लिपि के साथ और स्वर लिपि आपके सामने होता है कि कोई कंफ्यूजन की बात नहीं हो। स्वर आपके सामने है, आप स्वर को देखें और अपने उंगलियों को स्वरों पर सेट करके और उसका अभ्यास करें। तो आज के लिए इतना ही।
इसी तरह हमारा चैनल देखते रहें और मित्रों को भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।